मैं तो आई नजारों के अनजाने एक जहां। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज़ सुरभि। एंड आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा एंड बोल्ड गरबा नवरात्रि मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है। एंड मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि मैं ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। एंड वो जो था वो काफ़ी सिंपल सा था, लाइक कोई भी वेयर कर सकता है। ये थोड़ा सा बोल्ड है जो सारे लोग कैरी नहीं कर सकते, बट जिनको भी लाइक इच्छा हो करने की लुक ट्राई करे तो वो ज़रूर ट्राई कर सकता है। सारा मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है यूजिंग माई ग्लैम प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको वो ख़रीदने हो तो आप मेरा कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो यूज़ कर सकते हो ऑन माई ग्लैम ऐप, और एल्स आप नायका से भी परचेस कर सकते हो। उसके भी लिंक्स मैंने आपको नीचे दे रखे हैं, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग विथ अवर फेस मॉइस्चराइज़र। सो मेरे पास तो माई ग्लैम का कोई भी मॉइस्चराइज़र अवेलेबल नहीं है फॉर नाउ, सो मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा रेगुलर पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र, बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट वेट, नॉन ऑयली, नॉन स्टिकी, सो दैट्स वाई आई लव टू यूज़ इट। एंड एज यू कैन सी मुझे इतने सारे ब्रेकआउट्स हो रखे हैं, लाइक आई कैन नॉट इमेजिन। मुझे वीडियो करने का भी मन नहीं हो रहा था, बट आई हैव टू शूट इट बिकॉज आई हैव टू सबमिट टू द ब्रांड एज वेल, एंड आप लोगों के लिए भी, यूट्यूब के लिए भी बनाना था। सो मैंने सोचा कि इन पिंपल्स को इग्नोर करते हुए ऐसा मेकअप लुक क्रिएट करूँगी जो थोड़ा सा हाइड हो जाए। ओके, सो बातें बिना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा मेकअप। सो ये आप देख सकते हो मॉइस्चराइज़र है, वाटरी कंसिस्टेंसी में है, सो आई रियली लव दिस मॉइस्चराइज़र। और ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग अवर बेस मेकअप मैं स्टार्ट करूँगी आई मेकअप, बिकॉज आई मेकअप थोड़ा सा डार्क होने वाला है, सो मुझे फेस पे ध्यान रखना है। सो मैं फर्स्ट मेरा आई मेकअप ही स्टार्ट करूँगी, आईब्रोज जो है वो फिल करूँगी विद दिस माई ग्लैम पाउडर। सो इस तरह का ब्राउ पाउडर दिखता है, तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। सो आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पोज HD फाउंडेशन, जिसमें मैं अप्लाई करूँगी ऑन माई आई लिड्स, बिकॉज मेरे पास कंसीलर भी नहीं है। तो मुझे मतलब मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, एंड फिर भी मैं लूँगी, मैं नेक्स्ट मंथ ज़रूर ट्राई करूँगी। इसी फाउंडेशन को मैं ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, मतलब मैं हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर से ही करती हूँ। सो मैं यूज़ करूँगी ये पोज HD सेटिंग पाउडर, जो कि ट्रांसल्यूशेंट पाउडर है, एंड बहुत ही इसको डेलिकेटली यूज़ करना पड़ता है। सो मैं एक छोटा सा ब्रश लेके जस्ट जो भी ऊपर का है आप देख सकते हो वाइट कलर में है, इसे अच्छे से सेट कर दूंगी। आई शेडो के लिए मैं यूज़ करूँगी दिस मनीष मल्होत्रा आई शेडो पैलेट, डार्क ब्लू शेड में यूज़ कर रही हूँ, एंड इसे मैं अप्लाई करूँगी क्रीज लाइन। डस्टिंग करना है, ज़रूरी है। सो मैं आज क्रिएट करूंगी फुल कट क्रीज। तो हम इसे सर्कुलर मोशन से जब करेंगे तो अपने आप जो है वो इजीली ये ब्लेंड जो है वो हो जाएगा। सो द ब्लू आई शेडो इज डन, इस तरह से ये दिख रहा है पूरा कट क्रीज। मैंने मतलब पूरा ट्रांजिशन पे यहाँ तक अपने आईब्रोज के एंड तक इसे अप्लाई कर दिया है।
अब हम करेंगे कट क्रीज। ये मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी कंसील, अप्लाई कर रही हूँ ओनली ऑन माय आईबॉल्स एंड इसी को इस तरह से आपको शेप बनाना है। आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्लोली कर सकते हो एंड ब्रश से भी कर सकते हो। अभी मैं इसे ब्रश से ही अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज़ वो ब्लू शेडो के साथ मिल रहा है। सेकेंड साइड कंप्लीट करती हूँ मैं, तो अभी इस पर जो भी कलर आएगा वो और उठ के दिखेगा। अगर मैंने डायरेक्टली शिमर अप्लाई किया तो उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना मैं अभी कंसीलर पे उसे अप्लाई करूँगी। आप लोगे इस तरह से ब्रश पे एंड धीरे धीरे मैं इस पाउडर इस कंसीलर पे इसे अप्लाई करूँगी। आप थोड़ा देर इसे ड्राई होने देना है, जबकि आपका कंसीलर अच्छे से सूख जाएगा तब आप इसे इस पर अप्लाई करना। यस, अब हम इस पर अप्लाई करेंगे ये सिल्वर सा शिमर, बिकॉज हमने सिल्वर एक्सेसरीज पहनी हुई है सो हम सिल्वर आई शेडो लेके डायरेक्टली अप्लाई करेंगे ऑन दी कट क्रीज। सो मैं यही फ्लैट ब्रश ले रही हूँ एंड ये आई शेडो ले रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड प्लस मैंने जैसे कि आपको बोला कि आप देखो कितना ज़्यादा उठ के दिख रहा है, सो इसीलिए हम करेंगे। मैं अभी कंप्लीट करके आती हूँ ऑन माय अनदर आई। ओके, सो इसी आई शेडो में मैं एक ट्विस्ट देने वाली हूँ जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं अगेन ये ब्लू आई शेडो लूँगी ऑन एक पॉइंटेड सा ब्रश। ये पॉइंटेड है एंड काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। सो अभी मैं इस पर क्या करूँगी, ये जो कॉर्नर है इस पर एक लाइन नीचे छोड़ के सिर्फ आउटर कॉर्नर पर ब्लू अप्लाई करूँगी। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। अब मैं यहाँ पे फिनिश करके आती हूँ। राइट, सो मेरा सेकेंड आई भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो विंग्स है ये मैं अच्छे से क्लीन करूँगी एंड देन वो अच्छा क्लीन लुक आ जाएगा। तो अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर एंड ये है माय ग्लैम बनाना ब्राइटनिंग टिंटेड परफेक्शन प्राइमर। माय गॉड, बहुत सारे नाम है एंड येलो कलर में है ये प्राइमर एंड वर्क्स वेरी वेल एज अ प्राइमर एज यू कैन सी। फाउंडेशन, सो मेरा ये रेगुलर फाउंडेशन जो है दिस इज इन द शेड वॉर्म सैंड। फुल कवरेज नहीं देता है सो अगर आप बाय चांस ज़्यादा भी अप्लाई कर लिए तो भी कुछ इशू नहीं है। आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से स्किन में जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। सो आपको ज़्यादा मतलब ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं कि ओ गॉड बहुत ज़्यादा अप्लाई हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे अंडर आइज पे और अप्लाई करना पड़ेगा डेफिनेटली। सो यस, नेक पे मैं कुछ अप्लाई नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरा चोकर है। देन नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अगेन यूज़ दिस लूज पाउडर एंड बड़ा सा ब्रश लेके मैं पूरे फेस पे मोस्टली जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था फाउंडेशन वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूँगी। सो इसी के बाद मैं यूज़ करूँगी ये पोपक्सो ब्यूटी का न्यूली लॉन्च्ड फेस एंड आई की, बट मैं इसी शेड को लेके अपना जो कॉन्टोरिंग है वो आज करूँगी। टू पिगमेंटेड बट नो वरीज, अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप डेफिनेटली उसको ब्लेंड कर सकते हो। ब्लश अप्लाई करेंगे मिनी सा
सा ब्लश है, तो यस यही मैं ब्लश ले रही हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। वाओ गॉर्जियस, और ये मेरे आई लुक को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। हाइलाइटर ये वाला मैं यही यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट नो कि ये कैसा है, अभी दिख रहा है ना, बट आई डोंट वॉन्ट गोल्डन टू मच। ओके सो आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मस्कारा, और दिस इज़ द माई ग्लैम मस्कारा। एंड वैसे तो मैं लैशेस लगाने ही वाली हूँ, अभी हो चुका है, अब मैं अप्लाई, ओ गॉड मेरे बाल। सो मस्कारा इज़ डन, अब हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। पास ये माई ग्लैम की न्यू लिप शेड है, इन दिस शेड ओ गॉड दिस कौवा, इन दिस शेड LM 23 हुक अप एंड वेरी वेरी प्रिटी ब्राउन न्यूड शेड। आई एम जस्ट एक्साइटेड टू ट्राई दिस, आई होप ये बहुत डार्क ना लगे और ये लुक के लिए। सो आई रियली लव दिस ऑरेंज ब्राउनिश शेड विच रियली कॉम्प्लीमेंट्स माई आई लुक। सो नेक्स्ट अभी हम लास्टली हमारा जो आई लुक है वो कम्प्लीट करेंगे। अगेन ब्लू शेड लूँगी एंड अपने लोअर लैश लाइन पर इसे अप्लाई करूँगी, एकदम क्लोज टू लैश लाइन। काजल भी अप्लाई कर दूँ, क्योंकि काजल से जो वो जो बोल्ड लुक आएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बचा है लैशेस, सो यस मैं लैशेस लगा के आपको तुरंत ही मिलती हूँ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वाला मेकअप लुक पसंद आया हो। सो यस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो इस वीडियो को आप शेयर भी कर देना अगर आपको जेन्युइनली पसंद आया हो तो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।